तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पांच बेस्ट हॉरर मूवीज़ जो कि 18 प्लस हैं और आपको इसमें भर भर के बोल्ड न्यूड सीन्स देखने को मिलने वाले हैं। तो अगर आपकी उम्र 18 से कम है तो इस वीडियो को अभी स्किप कर देना, पर अगर फिर भी आप इसे देखना चाहते हैं तो इसे अकेले में ही देखना। तो ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। हमारी नंबर पांच की मूवी है हंट्रेस स्पिरिट ऑफ द नाइट, जो कि 1995 में आई एक हॉरर फैंटेसी मूवी है। इसकी कहानी फॉलो करती है तारा नाम की एक लड़की को, जो कि अपने पिता की डेथ होने पर उनका फ्यूनरल अटेंड करने के लिए गांव आती है और अपनी एक पुश्तैनी हवेली में ठहरती है। तो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं उसके बचपन की दोस्त को, जो कि तारा को उस हवेली को बेचने के लिए कन्विंस करना चाहती है। और मूवी में ट्विस्ट तब आता है जब एक रात तारा के शरीर पर एक आत्मा कब्जा कर लेती है, जो कि सेक्स की भूखी होती है। अब आगे इस मूवी में क्या होता है ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। इसमें आपको भर भर के न्यूड सीन्स देखने को मिलते हैं। इसे IMDb पर 4.0 की रेटिंग मिली है और ये मूवी आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगी। हमारी नंबर चार की मूवी है नर्स 3D, जो कि 2013 में आई थी। ये एक हॉरर थ्रिलर मूवी है। इस मूवी की स्टोरी में हम देखते हैं एबी रूसल नाम की एक लड़की को, जो कि एक नर्स होती है और अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपनी लाइफ खुशी खुशी बिता रही होती है। लेकिन एक बार वो अपनी कलीग के साथ एक नाइट क्लब में जाती है और नशे की हालत में वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं, जिसके कारण एबी की कलीग उसके साथ ऑब्सेस्ड हो जाती है। लेकिन एबी अपने बॉयफ्रेंड के साथ लॉयल होने के कारण उसे कोई भी रिलेशन रखने से मना कर देती है, जिसकी वजह से एबी की कलीग उसको पाने के लिए उसके रिलेटिव्स की जान लेने लग जाती है। अब आगे इस मूवी में क्या होता है इसके लिए आपको ये मूवी देखनी चाहिए। इसमें आपको बहुत सारे न्यूड और किलिंग सीन्स देखने को मिलते हैं। इसे IMDb पर 4.5 की रेटिंग मिली है और ये मूवी आपको इंग्लिश में देखने को मिल जाएगी। हमारी नंबर तीन की मूवी है फ्राइडे द 13th, जो कि 2009 में आई एक हॉरर मिस्टरी थ्रिलर मूवी है। इसके अब तक 11 पार्ट्स आ चुके हैं, लेकिन हम बात करेंगे इस सीरीज के आखिरी पार्ट की। इस मूवी की स्टोरी में हम देखते हैं कुछ दोस्तों का ग्रुप एक नायाब फूल की तलाश में शहर से दूर क्रिस्टल लेक जाते हैं, लेकिन वहां जाकर उन्हें उस लेक की हिस्ट्री और मिस्टीरियस सीक्रेट्स के बारे में पता चलता है और फिर एक आदमी एक एक करके उन्हें मानना शुरू कर देता है। अब आगे उन लोगों के साथ क्या होता है ये आपको इस मूवी में देखना पड़ेगा। इसमें आपको काफी ब्रूटल किलिंग सीन्स देखने को मिलते हैं। इसे IMDb पर 5.5 की रेटिंग मिली है और ये मूवी आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगी। हमारी नंबर दो की मूवी है इरोटिक गोस्ट स्टोरी, जो कि 1990 में आई एक हॉरर फैंटेसी मूवी है। इस मूवी की कहानी में हम देखते हैं तीन बहनों को जो कि भूत होती है, लेकिन वो अपनी इंसानी जिंदगी को वापस पाना चाहती है, जिसके लिए वो हजारों सालों से तपस्या कर रही होती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उनमें से एक बहन किसी इंसान के प्यार में पड़ जाती है, जिससे वो अपने सेक्सुअल डिजायर को पूरा करती है, और जिसके बाद उसकी दोनों बहनें भी अपनी सेक्सुअल डिजायर को पूरा करने के लिए उस इंसान का सहारा लेती है। और जब उनकी सच्चाई बाहर आती है तो क्या होता है ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। इस मूवी में आपको बहुत ज्यादा बोल्ड और न्यूड सीन्स देखने को मिलते हैं। इसे IMDb पर 5.7 की रेटिंग मिली है और ये मूवी आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगी। हमारी नंबर वन की मूवी है हेलरेजर, जो कि 1987 में आई एक हॉरर सुपरनेचुरल मूवी है। इस मूवी की कहानी में हम देखते हैं एक मिस्टीरियस पजल बॉक्स, जिसको सोल्व करके फ्रैंक नाम का एक आदमी किसी दूसरे डायमेंशन का रास्ता खोलना चाहता है। पर जैसे ही वो पजल बॉक्स को सोल्व करता है, उसमें से एक मिस्टीरियस क्रिएचर बाहर निकलता है और उसे जान से मार देता है। अब उसी घर में लैरी अपनी फैमिली को लेकर रहने के लिए आता है। अब आगे उनके साथ क्या होता है इसके लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। इसकी स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है, जिसे देखकर आपको काफी मजा आने वाला है। ये मूवी आर रेटेड है और इसमें बहुत से ब्लड और न्यूड सीन्स देखने को मिलते हैं। इसे IMDb पर 6.9 की रेटिंग मिली है और ये मूवी आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये लिस्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।